नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। खबरें दे दनादर में आपका स्वागत है। शुरुआत करेंगे पहली खबर से। इसमें पटियाला हाउस कोर्ट में डेथ वारंट पर सुनवाई टल गई है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने पर पटियाला कोर्ट में सुनवाई होगी। निर्भया के माता पिता ने डेथ वारंट जारी करने की मांग की। पटियाला कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही डेथ वारंट पर विचार किया जाएगा। अब पटियाला हाउस कोर्ट में 18 दिसंबर को दोपहर 2 बजे सुनवाई होगी अक्षय की पुनर्विचार याचिका पर। 17 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। दोषी अक्षय की पुनर्विचार याचिका में हस्तक्षेप की मांग की गई। दरअसल निर्भया की मां ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। मेरठ में पवन जल्लाद ने निर्भया के हत्यारों को फांसी देने की तैयारी की है। पवन निर्भया के हत्यारों को फांसी होने की बात से खुश है। उसका कहना है कि वो बेहद गर्व महसूस कर रहा है कि वो अपने हाथों से इन क्रूर हत्यारों को फांसी देगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने FICCI के कार्यक्रम में बोलते हुए यह भी कहा कि लोगों ने उनसे सवाल किया था कि महिलाओं के लिए ट्रांसपोर्ट फ्री करके पैसे कहां से लाओगे। इसके जवाब में उन्होंने बताया कि राज्य के मुख्यमंत्री ने अपने लिए 192 करोड़ का हेलीकॉप्टर खरीदा था। मैंने इस पैसे से महिलाओं के लिए सफर फ्री कर दिया। तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ सिग्नेचर बिल्डिंग पहुंचे। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने साइबर क्राइम विवेचना के कार्यक्रम में शिरकत की। सीएम ने साइबर क्राइम विवेचना राज्य स्तरीय कार्यशाला का भी आगाज किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अटल आवासीय विद्यालय योजना प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान सीएम योगी ने अटल आवासीय विद्यालयों का संचालन 2021 से हर हाल में सुनिश्चित किए जाने का आदेश भी जारी किया। अनाथ बच्चों के प्रवेश और शिक्षा की व्यवस्था की जाए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बच्चों की योग्यता क्षमता और कौशल का मूल्यांकन करते हुए उनकी रुचि के अनुसार शिक्षा दी जाए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विद्यालय ऐसे मॉडल बने जिससे अन्य लोगों को भी प्रेरणा मिल सके। उन्होंने कहा कि विद्यालयों और छात्रावास के भवनों का आर्किटेक्चर भारतीय दर्शन संस्कृति के अनुरूप हो। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी 18 मंडलों में अटल आवासीय विद्यालय बन रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों को आर्थिक मदद दी है। विभिन्न जनपदों में 547 व्यक्तियों को सीएम ने 8,21,26,000 की आर्थिक सहायता मुहैया करवाई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने रैन बसेरे में उपलब्ध में जरूरी सुविधाओं के लिए अधिकारियों को आदेश दिया है। सीएम ने कहा कि कोई व्यक्ति खुले में ना सोए। न्यूज वन इंडिया की खबर का बड़ा असर हुआ है। आपको बता दें कि लखनऊ विश्वविद्यालय में पेपर लीक होने के मामले का सीएम ने संज्ञान लिया। सीएम के आदेश पर मामले की एसटीएफ जांच करेगी। एलएलबी थर्ड सेमेस्टर का पेपर लीक हुआ था। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल का अनशन जारी है। स्वाति मालीवाल कई दिनों से अनशन पर हैं। वहीं मालीवाल के आमरण अनशन का मुद्दा राज्यसभा में उठाया गया। आपके सांसद संजय सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार के प्रतिनिधि ने उनसे मुलाकात तक नहीं की इस मौके पर। राजधानी दिल्ली में बारिश के साथ ओले पड़े। बारिश और ओले गिरने से तापमान में गिरावट आ गई है। इलाके में ठंड बढ़ी है। बारिश से प्रदूषण में भी थोड़ी बहुत कमी आई है। तो वही दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में तेज बारिश के साथ में ओलावृष्टि हुई। बारिश के बाद गाजियाबाद में ठंड बढ़ी है। बीते दिन गाजियाबाद में ओलावृष्टि हुई। तो बिजली के ट्रांसफार्मर में आग लगी है। तेज बारिश के चलते करंट फैलने से खतरा बना हुआ। औरैया में मौसम का मिजाज बदल चुका है। देर रात हुई तेज बारिश के साथ में गिरी बिजली से 2 भैंसों की मौत हो गई है। वहीं बारिश के चलते जीवन अस्त व्यस्त हो गया है, जिससे किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बनारस के बड़ा गांव थाना इलाके में बारिश के चलते किसानों के घरों पर आकाशीय बिजली गिरने से भारी नुकसान हुआ। बिजली गिरने से कई घरों में इलेक्ट्रॉनिक सामान जलकर खाक हुआ। बारिश के बाद ठंड बढ़ने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश से ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की पोल खुल गई है। ग्रेटर नोएडा में बारिश से जगह जगह जलभराव हुआ। जलभराव से लोगों को खासा परेशानियां उठानी पड़ रही है।
चमोली जिले के जोशीमठ गैरसैंण पोखरी देवाल ग्वालदम और भराड़ीसैंण सोल क्षेत्र थराली बद्रीनाथ धाम हेमकुंड साहब फूलों की घाटी सतोपंत रुद्रनाथ सभी इलाकों में देर रात से हो रही बर्फबारी और निचले इलाकों में भारी बारिश के चलते पहाड़ों में जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। साथ ही बारिश के बाद में जोशीमठ औली में पर्यटकों की संख्या और बढ़ती जा रही है। वहीं पर्यटक बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं। हेम क्रीड़ा स्थली औली में अब तक गिरी 3 फीट बर्फबारी होने की सूचना। दूसरी ओर ठंड को देखते हुए चमोली के डीएम ने सभी स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया है। पौड़ी और पौड़ी से सटे खिरसू थलीसैड में सुबह से ही बारिश के बाद जमकर बर्फबारी हो रही है। वहीं पर्यटक भी बर्फबारी से काफी उत्साहित दिखाई दिए। पौड़ी के आसपास ये मौसम की पहली बर्फबारी है। तो वही मसूरी में मौसम का मिजाज बदल चुका है। हल्की बारिश ने ठिठुरन बढ़ा दी है। ठंड से लोगों का हाल बेहाल हुआ है। बचाव के लिए लोग गर्म कपड़ों के साथ अलाव का सहारा ले रहे हैं। ठंड को देखते हुए नगर पालिका परिषद की ओर से मसूरी के मुख्य चौराहों पर अलाव जलाने की व्यवस्था की गई है। उत्तराखंड के नरेंद्रनगर में बारिश हुई है। बारिश से निचले इलाके में ठंड बढ़ चुकी है। ठंड को देखते हुए 1 से 12वीं तक के सभी स्कूल बंद किए गए हैं। आईजीआरएस में मिलने वाली समस्याओं के समाधान को लेकर बाराबंकी जिले को पहला स्थान मिला। 75 जनपदों में पुलिस को मिली शिकायतों के निस्तारण के मामले में बाराबंकी का पहला स्थान रहा। गाजियाबाद में अहम बैठक के दौरान खोड़ा इको केके भड़ाना के आपको बता दें हंसने पर डीएम अजय शंकर पांडे नाराज हो गए, जिसके बाद में डीएम ने खोड़ा ईओ केके भड़ाना को बैठक से बाहर निकाल दिया। गौरक्षर जैसे अहम मुद्दे पर हो रही थी चर्चा। बैठक के बाद मामले पर इको केके भड़ाना ने हास्यास्पद बयान दिया। उन्होंने कहा कि क्या करूं, मेरा चेहरा स्माइली है, इसीलिए डीएम को लगा कि मैं हंस रहा हूं, आगे ऐसा नहीं होगा। तो वहीं लखनऊ में डबल मर्डर से सनसनी फैल गई। पति पत्नी को आपको बता दें बदमाशों ने मौत के घाट उतार दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद में आरोपी मौके से फरार। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर फुटेज की मदद से आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। घटना लखनऊ के शहादतगंज थाना इलाके की है। कानपुर में 2 दिनों से लापता युवती का शव बरामद किया गया है। पुलिस ने हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका जताई है। युवती 2 दिन पहले कानपुर से दिल्ली के लिए निकली थी, जिसके बाद में संदिग्ध परिस्थितियों में रेलवे स्टेशन से युवती लापता हो गई थी। गाजियाबाद में चोर टैलेंट इंस्टीट्यूट के बाहर से बाइक चुरा ले गई। ये चोरी एसएसपी कार्यालय से चंद दूरी पर हुई है। बाइक चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। हाथरस में NH93 पर बोलेरो और दूध टैंकर में टक्कर हो गई। इस दौरान बोलेरो सवार लोगों ने टैंकर चालक को पीटा। सूचना के बाद पहुंचे पुलिस ने सभी को पकड़कर थाने लेकर गई। घटना सादाबाद इलाके के मूरसा चौराहे की है। तो वही सीतापुर में शादी समारोह में 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। दोनों के बीच में विवाद इतना ज्यादा बढ़ा कि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के युवक को पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने नशे में हत्या को अंजाम दिया। वही पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। हापुड़ में एक युवक को बाइक से स्टंट करना भारी पड़ गया है। पुलिस ने युवक का 3,000 का चालान काटा। दरअसल युवक बिना हेलमेट के हाथ छोड़कर बाइक चला रहा था। वहीं इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। बनारस में गंगा किनारे एक विदेशी जोड़े ने हिंदू रीति रिवाज के साथ में शादी की है। शादी की शुरुआत भी दुल्हन के ताकपात से होते हुए सिंदूरदान फेरे और कन्यादान तक पहुंची। शादी की सबसे बड़ी बात यह रही कि दोनों विदेशी जोड़े की शादी में उनके 14 महीने का बेटा भी शादी का साक्षी बना। गाजियाबाद में 2 वाहनों के आमने सामने टक्कर हो गई। आपको बता दें कि इस हादसे में मौके पर 2 लोगों की मौत हो गई। 8 लोग घायल हुए। सभी घायलों का इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया। यह हादसा मोदी नगर थाना इलाके के निवाड़ी गांव में हुआ। तो वहीं कानपुर के आवास विकास में युवक की हत्याकार शव डिवाइडर पर फेंका गया। मृतक युवक की अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। यह घटना थाना कल्याणपुर के आवास विकास केशवपुरम की है। एटा के थाना जैतरा इलाके में दहेज के चलते एक विवाहिता की गला दबाकर हत्या की गई। विवाहिता का शव पंदे पर लटका मिला। मृतका के परिजनों का आरोप है कि ससुराल वाले दहेज के चलते उसके साथ मारपीट किया करते हैं। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर फरार आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। हरदोई के परसदेवरा थाना इलाके में दबंगों ने एक युवक को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। वहीं दबंगों की गोली लगने से एक युवक जख्मी भी हुआ है। जमीनी विवाद के चलते इस घटना को अंजाम दिया गया।
मुरादाबाद के मजोला थाना इलाके में नाबालिग लड़की की शादी की शिकायत बाल कल्याण समिति और चाइल्डलाइन को मिली है। इसके बाद में दोनों टीमों ने पुलिस के साथ में शादी स्थल पर पहुंचकर शादी को रुकवाया। कौशाम्बी में एक शराबी ने नशे में जमकर हाई वोल्टेज ड्रामा किया है। शराबी युवक चायल नगर पंचायत परिसर के अंदर पानी की टंकी पर चढ़ गया। टंकी से कूदने की धमकी दे रहा था। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस ने शराबी युवक को टंकी से नीचे उतारा। औरैया में संदिग्ध परिस्थितियों में आग लगने से महिला और उसके दो बच्चों की जलकर मौके पर मौत हो गई है। बता दें वहीं मृतका के भाई ने ससुराल पक्ष पर हत्या करने का आरोप लगाया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। रायबरेली में तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक पुलिस बूथ में जा घुसा। इस दौरान ट्रक में सवार लोगों ने भागकर जान बचाई। वहीं इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। सिद्धार्थनगर में बारिश से किसानों के चेहरे खिल गए हैं। किसानों का कहना है कि इस बारिश से उनको भारी लाभ होगा। वहीं बारिश से जिले में ठंड भी बढ़ चुकी है। मथुरा में एक बगीचे में अजगर सांप निकल गया। इस दौरान अजगर सांप ने बकरी के बच्चे को अपना शिकार बना लिया। ग्रामीणों ने एकजुट होकर अजगर सांप को पकड़ने का प्रयास किया और वन विभाग को सौंप दिया। कानपुर देहात में दो ट्रकों की आमने सामने जोरदार टक्कर हुई है। आपको बता दें इस हादसे में एक ट्रक चालक की मौके पर मौत हो गई है जबकि दो लोग गंभीर रूप से घायल हैं। मामला मंगलपुर थाना इलाके के जातापुर गांव के पास का है। मुजफ्फरनगर में फिल्म कमांडो 3 के खिलाफ में पहलवानों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर डीएम कार्यालय के सामने धरना दिया। पहलवानों ने इस फिल्म में खेल और खिलाड़ी को अपमानित करने का आरोप लगाया। साथ ही फिल्म पर प्रतिबंध की मांग की है। पहलवानों ने आरोप लगाया कि फिल्म कमांडो 3 के निर्माता ने खिलाड़ियों का अपमान किया। खिलाड़ियों का चरित्र इस प्रकार का नहीं होता जो फिल्म में दर्शाया गया, इसलिए इस फिल्म को बैन किया जाए। गाजियाबाद पुलिस ने 5 छात्र चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने चोरों के पास से 4 बंडल 33 केवी की बिजली के तार, एक कटर, 6 ब्लेड, 2 टाटा मैजिक, 1 मारुति ब्रेजा कार, 2 चोरी के फोन, 4 अवैध चाकू बरामद किए हैं। सभी 5 आरोपी दिल्ली के आसपास के इलाके के रहने वाले। ये चोर रात में मेट्रो बंद होने के बाद सुनसान जगहों पर लोहे के हुक की सहायता से मेट्रो लाइन में घुसकर इलेक्ट्रॉनिक केबल के प्लास्टिक को काटकर फॉल्ट कर देते हैं, जिसके बाद में ये चोर चोरी की घटना को अंजाम दिया करते थे। अलीगढ़ में एएमयू में एनआरसी और कैप को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया है। छात्रों ने कहा कि एनआरसी और कैप की लड़ाई जारी रहेगी। छात्रों ने स्पीच प्रोग्राम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में योगेंद्र यादव और कपिल खान ने भी अपने विचार साझा किए। तो वहीं हाथरस में खाना बनाते समय गैस लीक होने के कारण घर में भीषण आग लगी। घर में भीषण आग लगने से स्थानीय लोगों में अफरातफरी का माहौल देखा गया। आग लगने के बाद लोगों ने भागकर किसी तरह अपनी जान बचाई। आग लगने से घर में रखा सारा सामान जलकर खाक हुआ। यह घटना थाना कोतवाली सासी इलाके के जामुना वाला मोहल्ले की है। मथुरा में चलती कार में आग लग गई। कार में सवार लोगों ने गाड़ी से निकलकर जान बचाई। ये कार नोएडा से आगरा की ओर जा रही थी। ऋषिकेश में 3 दर्जन तिपहिया वाहनों को स्टैंड की सुविधा देने के लिए विक्रम चालकों ने राज्य मंत्री कृष्ण कुमार सिंघल को सम्मानित किया है। सिनेमाघरों में 2 बड़ी फिल्में रिलीज हुई हैं। गैगरेप जैसी झकझोर देने वाली घटनाओं पर बेस्ड एक्शन थ्रिलर मर्दानी 2 की बॉक्स ऑफिस पर मर्डर मिस्ट्री द बॉडी से टक्कर है। वहीं मर्दानी 2 में रानी मुखर्जी लीड रोल में है। वहीं द बॉडी में ऋषि कपूर और इमरान हाशमी मुख्य भूमिका में है। पाकिस्तान में सबसे सर्च होने वाली शख्सियत की टॉप 10 की लिस्ट में बॉलीवुड एक्टर सारा अली खान का नाम भी है। वहीं सारा अली खान पाकिस्तान की सर्चिंग लिस्ट में 6 स्थान पर है। अरबाज खान ने एक इंटरव्यू के दौरान अपनी शादी पर बातचीत की। उन्होंने शादी की खबरों को फर्जी बताया। अरबाज ने कहा कि वो इटालियन मॉडल जॉर्जिया को डेट कर रहे हैं लेकिन शादी का भी कोई प्लान नहीं है। इतिहास की सबसे भीषण लड़ाइयों में से एक पानीपत की तीसरी लड़ाई पर्दे पर उतना असर नहीं दिखा पाई, जिसके चलते आशुतोष गोवारिकर की फिल्म पानीपत ने पहले हफ्ते में उम्मीदों के मुताबिक कलेक्शन नहीं किया। इस बीच निर्माताओं ने फिल्म की लंबाई लगभग कम करके इसे दोबारा रिलीज किया है। बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार अक्षय कुमार अक्सर अपने मजाकिया अंदाज और अपने कॉमिक टाइम से सबको हंसाते रहते हैं। वहीं हाल ही में मजेदार वाकया हुआ जब अक्षय अपनी वाइफ के लिए एक तोहफा लेकर पहुंचे। ये तोहफा कुछ और नहीं बल्कि प्याज वाले इयररिंग थे जो वाइफ ट्विंकल खन्ना को बेहद पसंद आए। बॉलीवुड के दबंग यानी कि सलमान खान इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म दबंग 3 के प्रमोशन में बिजी हैं, लेकिन प्रमोशन के बीच में वक्त निकालकर वो अपने मेकअप आर्टिस्ट राजू भाई के बेटे की शादी में गए, जिसमें सलमान खान दबंग अंदाज में शादी के पंडाल में एंट्री करते हुए दिखाई दिए। बॉलीवुड एक्ट्रेस रानी मुखर्जी जल्द ही अपनी ब्लॉकबस्टर फिल्म मर्दानी के बाद अब मर्दानी 2 में नजर आने वाली है जो रिलीज हो चुकी है। वहीं हाल ही में रानी अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए पहुंची थी जहां उन्होंने इसी साल आई फिल्म कबीर सिंह की कॉन्ट्रोवर्सी पर अपने विचार साझा किए थे। रानू मंडल ने अपने एक फैन के साथ में बदतमीजी की थी। रानू की इस हरकत के बाद में उन्हें काफी ट्रोल किया जा रहा है।
पॉपुलर टीवी एक्ट्रेस जेनिफर विंगे टीवी शो बेहद टू में नजर आने वाली हैं। शो में शिविन नारंग उनके अपोजिट रोल में हैं। शो के लिए जेनिफर ने कई खतरनाक सीक्वल शूट किए हैं। वहीं जानकारी के मुताबिक शिविन ने जेनिफर को इमारत से गिरने से बचाया, इसी दौरान शिविन चोटिल हो गए थे। बिग बॉस 13 में पंजाब की ऐश्वर्या राय यानी कि हिमांशी खुराना का सफर खत्म हुआ। बिग बॉस के घर में ज्यादातर शांत रहने वाली हिमांशी घर से बाहर आकर कंटेस्टेंट से जुड़े कई खुलासे कर चुकी हैं। हाल ही में हिमांशी खुराना ने अपनी इंस्टा स्टोरी के जरिए पारस छाबड़ा को लड़कियों की इज्जत ना करने पर खूब लताड़ा।